और ये देख रहे हो रास्ते, अभी हमने यहाँ से जाना है। तो भाई बहुत ट्रैफिक है, संडे वाले दिन तो कहीं निकलना ही नहीं चाहिए। तो ये अपना आ गया खाना। तो ये खड़ी अपनी बाइक और आज हम जा रहे कसौली, इनको वीडियोस बनानी और हमें घूमना है संडे के दिन, बस एक ही काम है। चलो चलते हैं सीधे। A few moments later. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मनमोज जी सैम। और अभी आपने देखा, कहीं भी ट्रिप में जाने से पहले आपको हर चीज़ चेक करनी चाहिए, एयर प्रेशर और अपना पोल्यूशन वगैरह। तो हमारा पोल्यूशन ख़त्म हो गया था क्योंकि हमने अभी सेकंड हैंड बाइक ली थी, तो अभी पोल्यूशन कराया। और अब आज हम जा रहे हैं कसौली की तरफ, थोड़ा सा घूमा है, संडे का दिन है, दो दिन से घर पे पड़े हुए, तभी व्लॉग भी नहीं आया। और चलते हैं अभी, अभी आपको दिखाते रास्ते के नज़ारे। ये देखो व्लॉगर। अब भी हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की और ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, तो ये लास्ट 1 किलोमीटर से ऐसे ही ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ पे। ये जो मेरे साइड में आप गाड़ियाँ देख रहे हो, और मैंने ये अभी फास्ट फॉरवर्ड में चला रखा है इसलिए, ताकि आपको थोड़ा सा भी अंदाज़ा हो सके कि कितनी प्रॉब्लम हुई हमें जाने में। और ट्रैफिक है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था भाई साहब। चले जा रहे थे हम और ट्रैफिक स्टिल खड़ा था, कितनी देर तो हम कहीं पे खड़े रहे स्टिल, और चलते रहे जहाँ जगह मिल रही थी चलते रहे। और ये था कि कसौली तक पूरा ऐसा ही ट्रैफिक था, कभी लेफ्ट कभी राइट हम हुए जा रहे थे, और पहुँचते पहुँचते हम थक भी गए काफ़ी, तो हम पहुँच ही नहीं पाए कसौली, आप ये लगा लो, तो इतना ट्रैफिक था। और ये ट्रैफिक कम से कम भी 4 से 5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक था। पहाड़ों में ट्रैफिक आप समझ ही सकते हो कितनी मुश्किल होती है बाइक चलाने में भी। फिर तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि इतना ट्रैफिक में चलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कसौली तक पूरा ट्रैफिक था, और यहाँ से कसौली 1 से 1.5-2 किलोमीटर और पड़ा था। तो हमने समझदारी दिखाते हुए यू टर्न मारने का फैसला किया, क्योंकि पीछे कैफ़े देखा था हमने, तो सोचा थोड़ी देर कैफ़े में रुक जाएंगे तो ट्रैफिक खुल जाएगा। तो अभी हम कैफ़े की तरफ ही जा रहे थे फिर, क्योंकि रुकने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, तो रुकते तो वहाँ भी टाइम ख़राब होता, क्योंकि अब जाना है तो रास्ता खुलेगा तभी जा सकते हैं। और इसके बाद भी 1-1.5 घंटा ट्रैफिक बिल्कुल भी ओपन नहीं हुआ, क्योंकि हम कैफ़े में बैठ के देख रहे थे, जैसे आप देख रहे हो ये कैफ़े बिल्कुल ही रोड साइड पे था। भाई पिछले 1-2 किलोमीटर पीछे से ऐसे ट्रैफिक लगा हुआ है, आपने वीडियो में देखा ही होगा। और हम वहाँ से रिटर्न होके आ गए, और ये कोई रिजोर्ट थोड़ा छोटा सा कैफ़े वगैरह है, तो हमने समझदारी यही सोची कि यहीं रुक जाते हैं। भाई साहब आगे जाने का तो रास्ता ही नहीं है, गाड़ी वाले तो शाम तक नहीं पहुँचते 6 बजे तक कसौली, और सिर्फ कसौली रहता 3-4 किलोमीटर है, पीछे 2 किलोमीटर से ऐसे है पूरा ट्रैफिक। बस अभी कुछ खाने के लिए रुक गए हम, हमने समझदारी यही सोची कि रुक जाते हैं, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। और ये देखो अपना सेटअप, स्नोबेल। नाम कैसा लगा स्नोबेल, वो जरूर बताना, कैसा लगा मैम? अच्छा है। तो भाई बहुत ट्रैफिक है, संडे वाले दिन तो कहीं निकलना ही नहीं चाहिए, और मजे करने आए थे इधर, और यहाँ तो भीड़ इतनी है भाई, अभी तक हो सामने देख रहे हो, एक गाड़ी इधर से उधर नहीं हुई है। टाइम रहते हमें कैफे मिल गया और हम यहाँ बैठ गया, तो कुछ तो राहत मिलेगी बाहर धूप से। All thanks to me. मैं नहीं बोला रुक जाओ यहाँ पे।
तो ये अपना आ गया खाना, बाल्टी भर के दाल और कटोरी भर के। देखो बाल्टी में खाना खाना चाहिए, देख लो। ये वही स्कैम वाली बाल्टी है। अभी इसमें स्कैम दिखाएं, चम्मच दिखाओ, मैं आपको स्कैम दिखाता हूँ। नहीं है, मैं आपको अभी एक स्कैम दिखाता हूँ। ये देखो, चलो यहाँ से भी ले लेते हैं, इतना दिखा रहे बाल्टी का। और ये देखो डूबी भी आती थी डूबी, और ये देखो इतना स्कैम है इसमें। ये तो कुछ ज़्यादा ही कम है भाई। तो अपना लंच हो चुका है, ये देखो मज़ा आ गया खा के, भूख लग रही थी बहुत टाइम से, और कब से चलाए जा रहे थे। आज बहुत ट्रैफिक है यार, बहुत ज़्यादा। अब एक तो लेट निकले ना, इस वजह से भी ट्रैफिक ज़्यादा है। चलो अब चलते हैं सीधे, ट्रैफिक खुल गया पहले से मच बेटर, और निकलते अब कसौली। अब कसौली रुकेंगे या डायरेक्ट घर जाएंगे अब ये नहीं पता। तो ये है कुछ कसौली का वेदर देखो, और उधर सारा धूप है वो, और बारिश स्टार्ट हो गई है। ये देखो मैं आपको दिखाऊं प्रॉपर, तो अभी बादलों के बीच में हम। ये देखो वो लोगर मैम, और ये देखो लो फोट, और ये देख रहे हो रास्ते, अभी हमने यहाँ से जाना है। ये सारा रास्ता है जहाँ से हमने अभी जाना है। और आप ये बादल देख सकते हो कितनी तेजी में जा रहे हैं, कैमरा में तो जस्टिस ही नहीं हो रहा। और कहीं बादल थे और कहीं नहीं थे, जहाँ भी बादल होते थे वहाँ पे बारिश स्टार्ट थी। यानी जो हम अपने घर से देखते थे कसौली का बैक साइड व्यू, बादल होते थे, और यहाँ पे तो बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा हमारा, मज़ा आ गया। तो हमारी चलते बैग में से बैग बोतल गिर गया, क्या हुआ मैम? बोतल खराब हो गई, बोतल फूट गई है देखो। A few moments later. Huh? There is and some error in the SD card, so it won't fly today. SD card is bad. Vlog ke andar vlog ho raha hai. Do do vlog bana rahi hu main akeli. Ye dekho kuch aisa sa hai. Kahan gaya? तो अभी हम पहुंच चुके हैं घर, और आज हालत ख़राब होगी भाई साहब, इतना ट्रैफिक था। और एक जगह तो रोड बन रही थी, कम से कम वहां पे आधा एक घंटा वेट किया, और 12 बजे के करीब निकले थे यहां से, और अभी बज रहे हैं 6 या 6:30 बजे। बस हम गए और आए हैं बस, क्योंकि कसौली से पहले एक रास्ता आता है जो जिगेंशु के लिए जाता है नीचे परवानों के लिए। तो हम जब वो डिवाइडर पे पहुंचे तो पता लगा कसौली तक भीड़ थी, तो हमने सोचा समझदारी यही है, यहाँ से हो लो उल्टे। अगर वहाँ जाते तो भाई साहब अभी तक तो पहुँचते ही नहीं कसौली भी, और आज इतना ट्रैफिक है वहाँ पे, इतना ट्रैफिक है कि पूछो मत। तो और ड्रोन उड़ाने का मौका ही नहीं मिला, और एक जगह फिर ड्रोन उड़ाया तो वहाँ पे हमारा मेमोरी कार्ड ख़राब हो गया, जो उसमें कार्ड लगता है। तो अभी हम घर पहुंच चुके हैं, और बहुत हालत टाइट हो चुकी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना अपना फेवरेट पार्ट। और अभी डेली व्लॉग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डेली व्लॉग अभी पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि छुट्टियाँ हो जाती है, डेली हमारा रूटीन सेम है, इसलिए नहीं हो पाता। तो बने रहिए हमारे साथ अगले व्लॉग में। तो बाय बाय, टेक केयर।